और बाकी कैसे क्या आपका ये अरुण जी है आज बैठक कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दें। मैं अजीत कुमार मिश्रा, अध्यक्ष भारतीय संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश। यह बैठक पूरे प्रदेश में लगभग 18 लाख कर्मचारी जो विभिन्न पदों पर पूरे प्रदेश के हर विभागों में तैनात हैं, उनके शोषण के खिलाफ उचित स्तर पर अपनी आवाज को उठाने के लिए बैठक आयोजित की गई है। आज हमारे यहाँ इस बैठक में 36 जनपदों में और 5 मंडलों में जनपद और मंडल स्तरीय कमेटी का गठन किया गया, जिसके लिए हम लोग इस बैठक के माध्यम से आप मीडिया बंधु और अपने पत्रों के माध्यम से इस सरकार से ये मांग करते हैं कि जो हमारा शोषण किया जा रहा है पूरे प्रदेश में, कहीं पर वेतन नहीं मिल रहा है साल साल भर से, कहीं पर ईपीएफ ईएसआई का लाभ नहीं मिल रहा है, कहीं अधिकारियों और कंपनियों के मनमानी से कर्मचारियों को निकाल दिया जा रहा है, रोज हर 10 दिन पर कर्मचारी बदल दिए जा रहे हैं, पैसे की वसूली की जा रही है, इस मांग को लेकर के कि हमारा शोषण रोकते हुए सरकार एक कल्याणकारी नीति का गठन करे जिससे हमारी नौकरी सुरक्षित रहे। हम काम सभी से ज़्यादा हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी कार्य करते हैं, मगर सबसे ज़्यादा शोषण हमारा ही होता है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे लिए एक नियमावली बनाई जाए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए, और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को विभाग में पद सृजित करते हुए उनकी नियुक्ति की जाए, एक समान वेतन दिया जाए ताकि हम अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। आपकी जो ये बैठक हो रही है, इसमें इस बैठक के दौरान आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं और सरकार को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम लोगों अपने साथियों को ये संदेश देना चाहते हैं और ये निवेदन करते हैं कि आप लोग अपने अपने जनपदों में अपने साथियों को एक साथ एकजुट कर संगठन को मजबूत करें और संगठन की नीतियों को अपने साथियों तक पहुंचाएं, और सरकार से ये हमारी मांग है, पुनः मांग है कि आप एक समेकित नीति बनाइए और जिससे कि कर्मचारियों का शोषण हो सके, और कर्मचारियों का शोषण होने से कर्मचारियों को लाभ, वो तो लाभ नहीं है, छोटे छोटे कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। और दूसरी बात, आप ये बात हमारी है कि संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया तय करे सरकार, नहीं तो अभी किसी भी कंपनी से कोई भी नौकरी करने चला आता है, किसी विभाग में नौकरी करता है, उसको कोई नहीं पहचानता है व्यक्ति कहाँ का है, कौन सा है, किस कैरेक्टर का है। इसलिए सरकार से मांग है कि नियुक्ति प्रक्रिया तय करते हुए और सरकारी नियमावली बना करके लागू करें। आपके संगठन से कितने लोग जुड़े हुए हैं? अभी हमारे संगठन को बने हुए मात्र 4 महीने हुए हैं, मगर इस 4 महीने में अभी हमारे संगठन से 2000 हमारे साथी जुड़ चुके हैं, और आज जो हमने गठन किया है कार्यालय को जनपद स्तर पर और मंडल स्तर पर, और मैं अपने साथियों के सहयोग पर विश्वास करता हूं कि अगले साल 9 अप्रैल को हमारा ये संगठन एक वर्ष पूरा करेगा, उस दिन तक हमारी संख्या न्यूनतम 20,000 हो जानी चाहिए। इस बात के लिए मैं अपने साथियों सहयोग की आशा करता हूं।